अब इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे बना लिया, हेडर एंड फुटर, इमेजेस, लोगोस, वाटरमार्क, सब कुछ ऐड कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट हमें सेव करना है, पीडीएफ में सेव करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है, प्रोटेक्ट करके सेव करना है, या फिर इसे प्रिंट करना है। तो ये सारी जानकारी अभी हम लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसे सेव कैसे करना है। सेव करने के दो तरीके मैं बताऊंगा, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल एस बटन से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस बटन प्रेस करोगे तो आप नए वर्जन में तो ये डायरेक्टली वन ड्राइव को लोकेशन देता है। यहाँ पे मैं माई डॉक्यूमेंट्स लेके सेव कर दूंगा, माई डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर मोर लोकेशन क्लिक करके। यहाँ पे जैसे मोर लोकेशन क्लिक करोगे वही फाइल में जो सेव ऑप्शन है वही आएगा और ब्राउज ऑप्शंस पे जाएंगे आप। ब्राउज में जाकर वो बोल रहा है कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है। तो सेव का तरीका है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करो, यहाँ पे जाकर मोर लोकेशंस ले लो, नए वर्जन में ऐसा आता है। और पुराने वर्जन में कंट्रोल एस प्रेस करते ही ये डायलॉग बॉक्स आता है। अब ये मैंने कैसे लाया डायलॉग बॉक्स ये बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल एस पुराने वर्जन में प्रेस करते ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है, नए वर्जन में ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है। तो इसमें आपको मोर ऑप्शंस यहाँ से जा सकते हैं, या फिर मोर ऑप्शंस में जाकर यहाँ से भी ला सकते हैं आप ब्राउज में। ओके, ब्राउज में जाओगे तो यही ऑप्शन आ रहा है, देखिए कहाँ पे सेव करना है आपको। तो आपको पूछ रहा है कि भाई ये लोकेशन पहले सेलेक्ट करो। चलो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस फाइल, राइट। ये हमारी पहली प्रैक्टिस फाइल है आपके लिए, ये प्रैक्टिस के लिए भी देता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस फाइल। ये मैंने इसका फाइल का नाम रखा है। पहले लोकेशन सिलेक्ट करो कहाँ पे सेव करना है, बाद में फाइल का नाम दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको देना है उसका फाइल टाइप। तो अभी आपको देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डॉक्स टाइप की फाइल बनती है। वर्ड का एक्सटेंशन होता है DOCX। अभी एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन मतलब हर एक फाइल का पहचानने का तरीका है। अगर आप ये फाइल किसी को भेजोगे उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो वो डॉक्स एक्सटेंशन से पता चल जाएगा उसके कि भाई ये डॉक्यूमेंट फाइल है, राइट। क्योंकि यहाँ पे फाइल का नाम हमने ये रखा है, तो उसको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं तो अफकोर्स उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं तो वो डब्ल्यू लोगो नहीं आएगा कि भाई ये वर्ड की फाइल है। तो ये DOCX ये एक्सटेंशन है, हर एक फाइल का पहचानने का तरीका होता है अलग अलग। तो वर्ड का DOCX है, एक्सेल का XLSX है, पावर पॉइंट का PPTX है, तो अलग अलग एक्सटेंशन रहते हैं। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन याद रखना है डॉक्यूमेंट फाइल का DOCX रहता है। ये एग्जाम के लिए मैं पूछूंगा जो फाइनल एग्जाम्स रहते हैं, ऐसे सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये फाइनल एग्जाम जो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसके लिए आ सकते हैं, तो याद रखिए इसे। सो ये मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, राइट। अब मैंने इसे डेस्कटॉप लोकेशन दिया, इस फाइल को मैंने सेव किया, एंड लेट मी क्लोज इट। मैं इसे यहाँ से ऊपर क्लोज करता हूँ। अब इस फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है क्या, ये तो मैंने ऐसे टेम्पररी लिया था, राइट। डॉक्यूमेंट 3 है तो मैं कंट्रोल W करूँगा, कंट्रोल W क्लोज। और ये पूछ रहा है आपको ये सेव नहीं किया भैया आपने, राइट, भैया या बहन जी। तो आप इसे सेव करना चाहते हो तो सेव करो, डोंट सेव, कंट्रोल W। ये बता रहा है कि भैया आपने ये भी सेव नहीं किया है, तो मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। सेव करना चाहता हूँ तो ये देखिए, राइट, डोंट सेव। फिलहाल ये भी क्लोज और ये वर्ड भी क्लोज। अब हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं एक मिनट के लिए। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ, और ये रहा मेरा पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे फाइल, ये रहा ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस फाइल, राइट। यहाँ पे मैं इसे डबल क्लिक करूँगा, आई कैन ओपन इट। तो ये सेव हो गया, लेकिन ये डेस्कटॉप पे सेव है, मैं इसे सेव करना चाहता हूँ और एक बार। तो इसे F12 बटन प्रेस करो आप, F12 कैसे आ रहा है देखिए, F12 से डायलॉग बॉक्स आता है, इसे सेव एज बोलते हैं। ये दूसरा तरीका है सेव का, जो कि मल्टीपल टाइम्स एक डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं, राइट। तो आपको इसको डी ड्राइव में भी सेव करना है तो आप डी ड्राइव में, ई ड्राइव में भी सेव करना चाहते हैं, आप डेस्कटॉप पे सेम नाम से नहीं सेव कर सकते दोबारा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप पे ऑलरेडी ये नाम से सेव है, अगर आपने इसे सेव किया तो उसी में सेव हो जाएगा, राइट। एक घर में सेम नाम के दो बच्चे तो नहीं रहते, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे तो सेम नाम की फाइल डेस्कटॉप पे कैसे रहेगी, आप अलग लोकेशन पर रख सकते हैं। तो वो अलग लोकेशन पे ये फाइल आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं F12 बटन से। लेकिन मैं यहाँ पे F12 यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, PDF बनाना है मुझे अभी इसका। तो PDF क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फाइल है ना ये एडिटेबल है, मैं अभी इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बनाना चाहता हूँ। तो वो भी देख लीजिए, F12 बटन दबाते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड है उसे आप सिलेक्ट करके PDF करोगे। PDF बनाने का एक तरीका तो ये है, वैसे भी आप फाइल में जाओगे ना एक आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF, ये रहा। तो ये करोगे ना आप, ये देखो इस पर क्लिक करता हूँ ना तो वही डायलॉग बॉक्स आ रहा है पब्लिश, बस इसको ऊपर नाम है, बट ये वही हो रहा है, वही चीज़ हो रही है, देखिए बस सेव एज टाइप में PDF लिख के आ रहा है। बाकी तो मतलब वही आप सेव एज से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाओ और इसे आप पब्लिश करो, राइट। तो ये क्या होगा, PDF में जाकर सेव हो जाएगा, लेट मी पब्लिश इट। तो यहाँ पे ये पब्लिश हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे प्रोसेसिंग होता है, इसे प्रोसेस होने दो, ज़्यादा पेजेस हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग पूरा हो चुका है, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप। ये रहा PDF एंटर्ड एंड ओपन हो चुका है, PDF बन गया हमारे नोट्स का, क्या बात है, राइट, ग्रेट, राइट, ओके। तो इस तरह से PDF बनाते, आपको ये आइडिया आ चुका है। आगे
इसको पीडीएफ तो मैंने बना दिया, चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट करना है, तो कंट्रोल पी बटन दबा दीजिए, आपको पूरा पेज प्रीव्यू दिखाई देता है, प्रॉपर है, देख लो पहले वाटरमार्क वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रहा है, फिर जाओ प्रिंट बटन पे क्लिक करो, लेकिन पहले प्रिंटर सेलेक्ट करो और प्रिंटर चालू है कि नहीं देखो, ये ऑफलाइन आ रहा है, मेरा प्रिंटर कनेक्टेड यहाँ पे है नहीं, मतलब चालू नहीं है, एचपी प्रिंटर कनेक्टेड है, जो भी प्रिंटर है वो कंपनी का नाम यहाँ पे रहेगा, आप इसे सेलेक्ट कर लेना है प्रिंटर आपका, और प्रिंट करना है जब यहाँ पे प्रिंटर ऑनलाइन दिखाएगा स्टेटस, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट करो, सारे पेजेस प्रिंट हो गए, लेकिन सारे पेजेस के दो दो कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे दो कॉपीज, यहाँ पे तीन तीन कॉपी चाहिए, तीन कॉपीज, जितनी कॉपी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको प्रिंट करते समय ध्यान रखना है, यहाँ पे वही ऑप्शंस आपको नीचे भी दिखाई देंगे कि भाई पेज आपको चेंज करना है, पेज का साइज़ वगैरह, या फिर नॉर्मल मार्जिन, पेज आपको लैंडस्केप रखना है तो यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की जगह आप लैंडस्केप कर सकते हैं, जिससे आपको दिखाई देगा पेज कैसे आ रहा है, यहाँ पे आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। सो कंट्रोल पी ऑप्शंस के अंदर आपको प्रिंटिंग मिल जाता है, प्रिंट यहाँ से करो, प्रिंटर सेलेक्ट करके फटफट फटफट प्रिंटिंग निकलना चालू हो जाएगी, फटफट प्रिंटिंग है तो भैया बस प्रिंट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे ढेर सारे और भी ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डेडिकेटेड कोर्स डिजाइन किया, लंबा चौड़ा ये क्रैश कोर्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, मतलब जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट तो सभी वैसे, लेकिन जो आपको पहले आनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पता होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि भाई इसमें सेव कैसे होता है, सेव एज क्या होता है, किस तरह से होता है, या फिर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है जो कि डॉक्यूमेंट सेव से रिलेटेड है। इस डॉक्यूमेंट को मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये कोई भी ओपन करके देख सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूँ, तो उसके लिए मैं F12 बटन दबा दूंगा। F12 बटन दबाने के बाद ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा, ये सब ऐसे ही रखूंगा एज इट इज़, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूँगा। जाऊँगा तो कहाँ पे, टूल्स में, जनरल ऑप्शन में, टूल्स में जनरल ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन में मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा 123 एंटर, और दोबारा पासवर्ड देना है वही आपको, मैं पासवर्ड बताऊंगा आपको क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूँ, राइट राइट। नहीं, पासवर्ड ऐसा शेयर नहीं करना, ये तो मेरा कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं, इसलिए मैंने 123 पासवर्ड दे दिया है। सो आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड देना चाहते हो वो दे दीजिए। डेस्कटॉप पे इस फाइल को मैं सेम लोकेशन पे दोबारा सेव कर रहा हूँ, अब इस सेम लोकेशन पे पासवर्ड हुई थी, फाइल सेव हो गई। अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि भाई साहब पहले पासवर्ड दे दो, तभी हम आपको कंटेंट दिखाएंगे। एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, अयो ये पासवर्ड डालने के बाद ओपन हो रहा है, क्या बात है, राइट। तो समझ में आया होगा आपको अभी, तो मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डालूंगा तो ओपन तो होने वाला नहीं है, तो मैं सही पासवर्ड डाल देता हूँ तभी ओपन होगा, राइट। खुल जा सेम सेम, तो आपको पता चला कि भाई डॉक्यूमेंट को पासवर्ड कैसे देते हैं, राइट। तो ये सेक्शन में हमने इतना सीखा, अब हमारी बारी है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने की, जैसे कि हम लेटर वगैरह कैसे टाइप करते हैं, और हमारे बायोडाटा रिज्यूमे या सीवी कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं।